हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज़ संजू मौर्य और आज के GIC, आ, जी आई बायोलॉजी बूस्टर सीरीज़ में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इंक्लूड किया हुआ है अगर मैं ह्यूमन हर्ट की बात करूँ तो हर्ट की लोकेशन कहाँ होती है मेडिस्टाइनम में अब आप कहोगे मेडिस्टाइनम क्या है मेडिस्टाइनम को हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी चेस्ट कैविटी कहाँ होता है देखिए हमारा जो लंग होता है ना मान लीजिए ये लेफ्ट लंग है ठीक है सॉरी uh, ये हमारा मान लीजिए राइट लंग है ओके okay? और ये 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 ये, ये एक मिनट एक मिनट मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा <coughs> ये हमारा ट्रैक क्या हो गया ये सपोज करिए हमारा राइट लंग है और ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट लंग जो हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में जो स्पेस है उसी को हम चेस्ट कैविटी या फिर मेडिस्टाइनल कैविटी कहते हैं और याद रखिएगा जो ये लेफ्ट लंग है ना लेफ्ट लंग में ही एक छोटा सा ऐसे नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है एक डिप्रेशन होता है उसी को कहते हैं कार्डियक नॉच और हमारा हर्ट लगभग उसी में ऐसे फिट रहता है कार्डियक नॉच तो कार्डियक नॉच कहाँ होता है भाई लेफ्ट लंग में होता है किस में होता है लेफ्ट लंग में लेफ्ट लंग में एक छोटा सा इसलिए हम कहते ना हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है तो भाई लेफ्ट साइड का मतलब उसका मोस्ट

हमारा हार्ट है फोर चैंबर है ये राइट है, ये राइट राइट है है वेंट्रिकल ये लेफ्ट आरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है हमें पता है देखिए लंग से ब्लड यहां पे आता है किसमें आता है किस में आता है राइट लेफ्ट आर्कल में और लंग को ब्लड किससे जाता है राइट वेंट्रिकल से ठीक राइट right वेंट्रिकल से जाता है सेम इसी तरीके से बॉडी पार्ट से ब्लड आता है राइट आरिकल में और बॉडी पार्ट को ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है लेफ्ट आरिकल और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट आरिकल में लंग से ब्लड आता है और राइट right वेंट्रिकल में लंग्स से ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग को ब्लड जाता है तो हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और उसको लेसर सर्कुलेशन कहते हैं क्योंकि यहां पे केवल लंग से आना जाना है ठीक लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या आता है पूरी बॉडी पार्ट से ब्लड

अब यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वॉल्व मैंने लिखा हुआ है एक ए बी वॉल्व और एक सेमिल्यूनर वॉल्व ध्यान से समझिएगा जो हमारा ये है देखिए ये हमारा हार्ट हो गया ये राइट आरिकल और ये लेफ्ट आरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तो राइट आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है आरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वाल्व एवी का मतलब आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व और यहाँ यहाँ भी आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व तो जर राइट में जो पाया जाता है वो ट्राई कस्पीड वाल्व होता है ठीक है इस राइट साइड में राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कस कस्पीड है और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिडिया या मिट्रल वाल्व होता है और दोनों कैसे वाल्व हैं एवी वाल्व आरिक्यूलो वेंट्रिक आरिक्यूलो वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर वाल्व है ओके तो एक तो ये हो गया एक है सेमिलूनर वाल्व अब आप तो कहोगे सेमिलूनर वाल्व कहाँ होता है तो ये हमारा आप सपोज करिए हॉट है ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल से लंग को ब्लड जाता है हमें पता है ठीक तो यहाँ से पल्मोनरी ओरटा निकलती है क्या निकलती है पल्मोनरी ओरटा और पल्मोनरी ओरटा में सेमिलूनर वाल्व पाया जाता है जिसको पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरटा निकलती है सिस्टमिक ओरटा

हर्ट के जो मसल्स होती है उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं या हर्ट मसल कहते हैं और कुछ स्पेशल मसल भी हर्ट में पाया जाता है मैं आगे आपको बताऊंगी देखिए हमारी जो कार्डियक मसल है इसकी सबसे खास बात क्या होती है ये स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसे स्केलेटल मसल जैसी होती है कैसे स्केलेटल मसल मतलब इसमें लाइट और डार्क बैंड पाए स्केलेटल मसल में लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है तो ये स्केलेटल मसल मतलब स्ट्रिएटेड मसल जैसी है स्ट्रक्चर में और यहाँ पर इंटरकेलेटिक डिस्क पाया जाता है लिख लीजिएगा इंटरकेलेटेड डिस्क तो पूछा जाता है कभी कभी इंटरकेलेटिंग डिस्क किस टाइप की मसल में होता है तो आप लिख लेंगे और लेकिन ध्यान से समझिएगा तो स्ट्रक्चर भी ये स्ट्रिएटेड मसल जैसा है लेकिन फंक्शन में फंक्शन में इन्वॉल्वर ये अनैच्छिक मसल है स्मूथ मसल है इसे हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते तो फंक्शनली तो ये स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल जैसा है लेकिन फंक्शनली ये स्ट्रक्चरली स्ट्रिएटेड मसल जैसा है लेकिन फंक्शनली ये कैसा है स्मूथ मसल है चलिए हर्ट की वॉल में कुछ स्पेशल टाइप की मसल पाई जाती है जैसे वेंट्रिकल वेंट्रिकल है ना ये ये वेंट्रिकल सपोज करिए आरिकल हो

हमारे हार्ट के अंदर ये होती है उसमें नर्वस कंट्रोल नहीं होता ठीक है तो हार्ट बीट की ओरिजिन कहाँ से कहाँ होती है तो देखिए राइट आर्कल में ऐसे नोट पाया जाता है फिर राइट आर्कल के अपर कॉर्नर पे, राइट आर्कल के लोअर कॉर्नर पे एवी नोट पाया जाता है तो यहाँ से इंपल्स एवी नोट एवी नोट से दोनों दोनों आर्टिकल को मिलता है और उसके बाद एवी नोट से एवी बंडल बंडल ऑफ हिस यहां पे होता है और फिर इधर पे सारा का सारा क्या होता है पुर फाइबर होता है तो आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना है आपको अभी एग्जाम क्लियर करना है तो आप क्या करोगे ऐसे नोट से एवी नोट एवी नोट से बंडल ऑफ हिस जिसको ए बी बंडल भी कहते हैं और फिर पुरकिंजे फाइबर ये पाथवे होता है और याद करिएगा ऐसे नोट को पेस मेकर कहते हैं इसकी लोकेशन मैंने बता दी है इसको पेस सेटर भी कहते हैं इसकी लोकेशन भी मैंने बता दी है दोनों राइट आर्टिकल में है लेकिन ये राइट कॉर्नर में है ऊपर और ये लेफ्ट कॉर्नर में है नीचे ठीक है और यहीं से हार्ट बीट की ओरिजिन होती है और 70 से बहत्तर बार इंपल्स यहाँ पे जनरेट होता है 70 से बहत्तर बार इसलिए हमारा हार्ट 70 से बहत्तर बार धड़कता है लेकिन अगर कभी ऐसे नोड डैमेज हो जाए तो भी हमारा हार्ट बीट करेगा उसका काम कौन करेगा फिर ए वी नोड लेकिन ए वी नोड करेगा तो वहाँ से चालीस से पैंतालीस बार जो है इम्पल्स जनरेट होगा तो उस वक्त हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी चालीस से पैंतालीस टाइम हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक की बात नहीं है वो क्योंकि हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हम धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और ये इसीलिए ऐसे पेसमेकर लगवाया जाता है ठीक तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं अगली चीज देखेंगे कार्डियक साइकिल देखिए कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक बार हार्ट बीट करता है एक बार जब हार्ट धड़कता है तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल और इसका ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड ठीक है पॉइंट एट सेकेंड और इसमें कई चीजें होती हैं हर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है हर्ट रिलैक्स भी होता है तो हर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हर्ट के चारों चैंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ओके okay, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है हर्ट कॉन्ट्रैक्शन ओके यहां पे हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे गलत लिख दिया है ठीक और हर्ट रिलैक्सेशन का मतलब एक मिनट यार क्या कर दिया वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चलिए हार्ट रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टोल या रिपोलराइजेशन कॉन्ट्रेक्शन का मतलब सिस्टोल या डिपोलराइजेशन अब हमेशा याद रखिएगा उसी में हमारा एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रिया भी रिलैक्स करता है वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है और एक ऐसा टाइम आता है जब चारों चैंबर रिलैक्स करें मतलब 0.8 सेकंड में सब कुछ होना है अब याद रखिएगा ये जो एट्रिया का सिस्टोल होता है वो पॉइंट वन का होता है एट्रिया का डायस्टोल पॉइंट सेवन का होता है कितना पॉइंट दोनों मिला के पॉइंट आना चाहिए कितना आना चाहिए पॉइंट तो याद रखिएगा और वेंट्रिकल का सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है पॉइंट थ्री सेकेंड और वेंट्रिकल कितने देर के लिए रिलैक्स करता है पॉइंट फाइव दोनों मिला के कितना आना चाहिए पॉइंट एट सेकेंड आना चाहिए ठीक और ज्वाइंट डायस्ट्रोल पॉइंट जीरो फो, पॉइंट फोर सेकेंड का होता है मतलब पॉइंट फोर सेकेंड एक ऐसा टाइम होता है जब वेंट्रिकल चारों के चारों चैंबर रिलैक्स कर रहे होते हैं एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी ठीक है सारे सारे चैंबर रिलैक्स कर रहे तो उसको ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं अब देखिए इस इस डायग्राम को देख के आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा मैंने यहाँ पे एट्रिया लिखा है यहाँ पे वेंट्रिकल लिखा है तक तक अब देखिए एट्रिया तो का क्शन है और इतना पॉइंट सेवन सेकेंड तक एट्रिया रिलैक्स कर रही है और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है कि नहीं बताइए जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है रिलैक्स तो यहां पे भी हम वेंट्रिकल का डायस्ट्रोल अब वेंट्रिकल पॉइंट थ्री सेकेंड तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है बताया मैंने वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट थ्री सेकेंड है बाकी और सेकेंड वेंट्रिकल रिलैक्स करे है एक दो तीन चार और यहां पांच तो वेंट्रिकल कितने पॉइंट फाइव अब ये वाला ये वाला डायग्राम देखिए यहां एक ऐसी जगह आ रही है एक ऐसी जगह आ रही है जहां पे सारे के सारे चैम्बर क्या करते हैं सारे के सारे चैम्बर एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं ये कोलैप्स हो रहा है ना ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं ये कितना ये वाला सॉरी ये वाला ये वाला एक दो तीन चार पॉइंट फोर सेकेंड ऐसा ड्यूरेशन है जब चारों चैंबर रिलैक्स करें इसी को कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल तो इस तरीके से मैंने लिखा है देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एट्रिया का सिस्टोल एट्रिया का डायस्टोल कितना है तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखना होगा कभी हमको टाइम मिलेगा तो हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आइए देखते हैं हर्ट साउंड दो हर्ट साउंड होता है एक लप और एक डब बस इतना आपको याद रखना है लप लो पिच होता है डप हाई पिच कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ए वी वॉल्व एंड दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी सेमील्यूनर वॉल्व मतलब जब ए वी वॉल्व एवी का मतलब बाईक स्पीड और ट्राई कस्पीड वॉल्व बंद होता है तब लप साउंड प्रोड्यूस होता है और जब सेमी सेमील्यूनर वॉल्व बंद होता है तब डब तो आपको ऐसे याद रखना है ए बी ए वी ए मतलब ए ए मतलब फर्स्ट फर्स्ट है ना ए फॉर एप्पल फर्स्ट तो फर्स्ट हर्ड साउंड ए बी वॉल्व के क्लोजर है सेकेंड सेकेंड हर्ड साउंड डब होता है वो किससे सेकेंड एस एस फॉर सेकेंड सेमील्यूनर वॉल्व ठीक है एस फॉर सेमी तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक चलिए स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है एक बीट एक बार जब हमारा दिल धड़कता है तो उस दौरान दिल धड़कने का मतलब क्या है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड हार्ट से बाहर आ रहा है

स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हर्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम सत्तर है हर्ट रेट सेवेंटी टू है तो आप निकालेंगे तो पांच हजार चालीस एम एल पर मिनट आता है मतलब पांच हजार लीटर पर मिनट एक मिनट में पांच सॉरी पांच लीटर पर मिनट पांच लीटर पर मिनट तो कार्डियक आउटपुट हमारा एक मिनट में एक मिनट में हम निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम एक बीट में निकालते हैं ओके okay, तो यहां तक चीज समझ में आ गई आगे हम ब्लड प्रेशर देखते हैं देखिए ब्लड प्रेशर हमारा क्या है सिस्टोलिक प्रेशर और जिसको हम अपर लिमिट कहते हैं ये 120 ट्वेंटी एम एम होता है डायस्टोलिक प्रेशर लोअर लिमिट जिसको हम 80 एम एम कहते हैं तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए 120 ट्वेंटी बाई एट्टी और एक टर्म कभी कभी आपसे पल्स प्रेशर पूछ देता है पल्स प्रेशर पीपी तो आप निकालोगे इसको पल्स प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज द फोर्टी एम एम एच जी कभी कभी आपसे रेशियो पूछ देता है किसका पल्स प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर तो आप कहोगे वन टू थ्री क्योंकि ये फोर्टी है ये एट्टी है ये वन ट्वेंटी है तो आप रेशियो निकालोगे तो वन टू थ्री आ जाएगा एम आई क्लियर आगे चले चलिए अगली चीज हम देखते हैं हट के बारे में ईसीजी ईसीजी के फादर इंथोवेंथ थे ठीक है और ईसीजी में जो ग्राफ बना है इस बात को ध्यान रखना आपको जो ग्राफ बना है ये रिकॉर्डिंग इसको हम ग्राम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम ग्राफ कहते हैं एकदम उल्टा है अभी ये चीज़ आपको याद रखनी है जो ग्राफ बना है उसको ग्राम कहते हैं और जो रिकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम ग्राफ कहते हैं और इसमें तीन वेब आती है पी क्यू आर एस ठीक है एक पी एक क्यू आर एस ट्राइंगुलर और एक टी जो पी वेव है वो क्या इंडिकेट करती है एट्रियल का काशन एट्रियल कितने टाइम का था पॉइंट वन सेकेंड तो कभी कभी आपसे पी वेव का ड्यूरेशन पूछ देगा क्यू आर एस वेब क्या इंडिकेट करता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल पॉइंट थ्री सेकंड का और पी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल पॉइंट फाइव सेकेंड तो ये इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ओके okay, अगली चीज हम देखते हैं ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं वेन आर्टरीज और कैपलरी वेन क्या करता है टू ब्लड टू हर्ट मतलब हर्ट को ब्लड लेके जाता है कैसा ब्लड डी और आर्टरीज क्या करते हैं आर्टरीज करते हैं फ्रॉम हर्ट हर्ट से लेके ब्लड आती है कैसी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेके आता है और इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड तो आर्टरी सारी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लाती है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड और वेन सारे डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेते हैं लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एक बात याद रखना कि वेन का ल्यूमन वाइडर होता है और यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं तीन तरीके के एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना Trust, media, interna, ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका इंटरना जिसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है क्या होता है थिक यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है इसका ल्यूमन वाइडर होता है तो अगर देखिए वेन और आर्टरी में डिफरेंस देखना हो तो वेन का ल्यूमन वाइडर होगा आर्टरी का ल्यूमन नैरोअर होगा यहां पे ट्यूनिका मीडिया थिक होता है यहां पे ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है कभी कभी आपसे लार्जेस्ट वेन पूछता है तो इन्फीरियर वेना कावा सबसे लार्जेस्ट वेन है और कभी कभी आपसे लार्जेस्ट आर्ट्री पूछता है तो ओरटा आपकी सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट आर्ट्री है ठीक कैपिलरी सबसे थीन होती है क्योंकि इस इसमें केवल ट्यूनिका इंटरना पाया जाता है ट्यूनिका एक्सटरना और मीडिया एब्सेंट होता है इसी को एंडोथिलियम कहते हैं तो कैपिलरी सबसे थीन है ठीक और इसी से हमारा एक्सचेंज ब्लड वेसल मतलब इसको एक्सचेंज ब्लड वेसल का मतलब यहीं से गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है और कैपिलरी क्या करती है ज्वाइन करती है किसको ज्वाइंस वेन टू आर्टरीज आर्टरी और वेन को छोड़ती है कैपिलरी ओके okay, तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगली चीज देख ले हम लोग थोड़ा सा हम हर्ट के डिफेक्ट देखते हैं डिफेक्ट में देखिए कभी कभी आपसे पूछता है तो कभी कभी क्या होता है जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी ल्यूमन में कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट होने लग जाता है तो ल्यूमन होने लग जाता है इसे हम कहते हैं आर्टरियो लेकिन एथरू पूछ ले तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इसी ल्यूमन में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन फैट का डिपोजिशन होता है जिसको एथेरो कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस सीवियर चेस्ट पेन अगर हमारे हर्ट को सफिशियंट ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा है तो उस वक्त हमें चेस्ट पेन कभी अचानक से होता है ना सीवियर चेस्ट पेन उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं इस्टीमिया भी वही है इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा होता है तो इस्चीमिया फीवर हो जाता है हमें ठीक है ये हार्ट के डिफेक्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक भी कहते हैं क्या कहते हैं हार्ट अटैक इसमें डैमेज ऑफ हार्ट मसल अचानक से हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है ठीक इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं और कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट बीट ही स्टॉप हो जाती है मतलब इंसान की मृत्यु हो जाती है हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है तो उसको कार्डिय हार्ट अटैक में इंसान जिंदा भी रह सकता है लेकिन कार्डियक अरेस्ट तुरंत से इनकी डेथ हो जाएगी अब अगली चीज हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं हार्ट दो तरीके का होता है एक न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब यहां से हार्ट बीट की जो ओरिजिन होती है उसमें नर्वस कंट्रोल होता है ये एनिलीडा और आर्थोपोडा में पाए जाते हैं जबकि मायोजेनिक का मतलब यहां पे केवल हार्ट बीट की ओरिजिन में हार्ट की मसल का रोल नहीं होता सॉरी हार्ट की मसल का रोल होता है नर्वस सिस्टम का कनेक्शन नहीं होता और याद रखना मायोजेनिक से एम 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 से याद रख लिए मायोजेनिक मोलस्का और मैमल और मैमल ऐसे याद रखने के लिए बस है मैमल में नहीं सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है हार्ट मायोजेनिक ओके और एक आखिरी चीज हार्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो याद रखना सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाता है हार्ट बीट को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को नॉर्मल करता है क्या करता है नॉर्मल क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रीनलिन रिलीज करता है और ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है ओके okay? तो एसिटाइल कोलिन नॉर्मल करता है और एज एज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हार्ट बीट घटती जाती है जैसे जब बच्चा भ्रूण होता है तो उसमें 150, 150 तक होता है उसके बाद थोड़ा सा और वो जब पैदा होता है तो 130, 120, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो 100, 110। प्यूबर्टी के दौरान 90, 100, फिर धीरे धीरे एडल्ट में 70 से 80। तो एक टाइम ऐसा होता है कि एज बढ़ती जाती है तो हर्ट रेट घटता जाता है लेकिन एक्सेप्ट ओल्ड एज ओल्ड एज में आके फिर से हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ओल्ड एज इसका एक्सेप्शन है ओल्ड एज में तो सबसे कम होनी चाहिए लेकिन ओल्ड एज में आने के बाद फिर से हार्ट बीट क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक और इसको हम टैकी कार्डिया कहते हैं याद रखना इंक्रीज हार्ट रेट को टैकी कार्डिया कहते हैं टैकी कार्डिया हार्ट बीट बढ़ना टैकी कार्डिया और हार्ट बीट स्लो होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है क्या कहता है ब्रेडी कार्डिया ओके और बॉडी साइज जितनी छोटी होती है हार्ट रेट उतना ज्यादा होता है ये भी याद रखना छोटी एनिमल जैसे छछुंदर हो गया उसमें बहुत ज़्यादा 300 300-400 चार हार्ट बीट होता है पर मिनट लेकिन एलिफेंट हो गया वहाँ पे 10 से 15 हार्ट बीट पर मिनट होता है तो बॉडी साइज जितनी हो और मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है हार्ट बीट उतना फास्ट होता है तो ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में हमने आपको बताया और ये तैयार अगर आप कर लेंगे तो बहुत बहुत बहुत, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए तो चलिए मिलते हैं फिर हो सकता है कोशिश करते हैं कि कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करें